यो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। एंड ये गेम प्ले भाई एक महीने बाद आ रहा है। एंड हर वीडियो में तो यही बोलता हूँ मैं भाई कि ये गेम प्ले एक महीने बाद आ रहा है। एंड बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा हो रही थी यार गेम प्ले डालने की, इसलिए मैं आ चुका हूँ एक और गेम प्ले के साथ। तो आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 5 स्टोरी मोड एंड उसका एक मिशन करने वाले। उससे पहले एक सैड न्यूज़ बता देता हूँ भाई कि हमारे चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुकी है एंड वो एक्टिव है। स्ट्राइक मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जो कि यूट्यूब देता है। तो ये कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है यार, ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है। तो इस बारे में वीडियो के लास्ट में बात करता हूँ। तो अभी हम लोग यार स्टार्ट करते हैं अपना गेम प्ले। तो मैं आ चुका हूँ भाई। तो भाई जो लोग ना समझ चुके हैं मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, मैं उन लोगों को बता देता हूँ। मैं बस मिशन करने आया हूँ भाई, ठीक है, कोई और काम करने नहीं आया। तो चलो मिशन पे चलते हैं अपने। और एक बात तो मैं भूल ही गया भाई, यहाँ पर ट्रेवर को तो मैं कपड़े पहनाना ही भूल गया। ठीक है, इसकी बॉडी वॉडी दिखती है लेकिन कोई बात नहीं है। बे तेरी, अरे भाई ये कौन है, इसको फ्रिज में रख के रखा है भाई, ये क्या पागल बने। ट्रेवर तो सच में भाई अलग ही आदमी है। ओहो, तो यहाँ पर माइकल भी आ चुका है भाई, लगता है कुछ तगड़ा होने वाला है इस वाले मिशन में। तो यहाँ पर हम इनकी बातें सुनते हैं थोड़ा। मैंने यहाँ पर सबटाइटल ऑन करना भूल चुका। ओ माइकल और फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर तीनों भाई एक ही साथ है। तो भाई हम लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, हम लोगों को यहाँ पर एक बैंक में जाना है एंड वहाँ की जो सिक्योरिटी उसे चेक करना है। अब बैंक में जा रहा है इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि हम लोग अब बैंक में पैसे लूटने वाले हैं एंड फिर से भाई हम लोग अमीर होने वाले। ये कौन सी कार है भाई, बहुत सही दिख रही है। खैर कार को जाने दो, हम लोगों को अभी बैंक में जाना है। तो मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ बैंक के पास। तो यहाँ पर हम लोगों को बैंक की भाई सिक्योरिटी वगैरह चेक करना है, मतलब हम लोग कैसे उसमें क्या क्या कर सकते हैं, एग्जिट वगैरह कैसे, एंट्री कैसे है, ताकि हमें जो हाइस्ट होने वाली है यहाँ पर बैंक की उसके बारे में थोड़ा आइडिया लग जाए एंड हम लोग इजीली यहाँ पर हाइस्ट को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर बैंक में भाई मजा ही आएगा, अब तो हम लोग अमीर फिर से बन जाएंगे। ये हम तीनों लोग अमीर, अंबानी, अदानी, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, सब कुछ फेल भाई, जेफ बेजोस भी, सब कुछ फेल। तो ट्रेवर एंड लेस्टर जो है वो अपना काम करने गए एयरफील्ड में, वहाँ पर वो लोग हेलीकॉप्टर लेने गए और हम दोनों भाई यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। अरे भाई लैग परेशान मत करे यार, यहाँ पर भाई कार मत उड़ा दियो पानी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बैंक के पीछे आए हैं एंड हम लोग यहाँ से बैंक को देखने वाले पीछे की तरफ से कैसा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे लोग। ये क्या भाई, यहाँ पर तो एक ही आदमी दिख रहा है जो सिक्योरिटी वाला है एंड इसका कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अंदर और भी हो सकता है, ऐसा कुछ पता नहीं हमें। तो ठीक है, हम लोगों को अभी शायद ट्रेवर पर स्विच होना पड़ेगा। अबे भाई पागल हो गया ये ड्राइवर, मतलब ये ड्राइवर कुछ भी करते रहता है भाई, मिशन के बीच में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हर बार हर मिशन में। पिछले बार तो कुछ और ही कर रहा था। तो ठीक है, यहाँ पर लेस्टर भाई हमारा वेट कर रहे हैं, लगता है ड्राइवर को बहुत जोर से लग गई थी इसलिए यहीं पे हाईवे पे ही कर दिया भाई इसने, सबके सामने ही। इसका बस चले तो भाई ये गाड़ी पे ही कर दे, गाड़ी पे क्या भाई, लेस्टर संभाल के रहना भाई, इसका कोई भरोसा नहीं रहता भाई ड्राइवर का, कुछ भी करते रहता है। पता चलता है भाई जाते जाते रास्ते में लेस्टर पे। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं लॉन्ग कट ना लेकर शॉर्ट कट लेके आ चुका हूँ, जल्दी मैं यहाँ पर एयरफील्ड में पहुँच जाऊँगा। हम लोगों को यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेके जाना है। तो चलो, ये चीज़ तो भाई मिशन का पार्ट ही है गाड़ियाँ ठोकना। तो यहाँ पर हम लोग भाई बहुत ही पास आ चुके हैं एंड ये रहा भाई हमारा हेलीकॉप्टर, गेट इन द हेलीकॉप्टर। तो लेस्टर भाई चल जल्दी से चलते बैंक के पास एंड वहाँ पर हम लोगों को भाई थोड़ा सा इंस्पेक्शन करना है, पता नहीं क्या करना है, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। Hey, चॉप मेरे जिगरी दोस्त के कुत्ते, अबे चॉप भाई इधर सुन ले भाई, लगता है मेरे को ये चॉप ही है एंड फ्रैंकलिन भाई उसको खिलाता पिलाता नहीं है इसलिए यहाँ पर घूमने आ चुका है दूसरों के साथ। तो हम यहाँ पर चलते भाई अपने बैंक के पास। भाई ये कितना दूर था यार, मैं उतने दूर से हेलीकॉप्टर यहाँ पर चला चला के आ चुका हूँ एंड फाइनली अभी देखते भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। ओ यहाँ पर ये वैन जाते हुए दिख रही है दो, तो ठीक है ये कैश वाली वैन है, यहाँ पर भाई कैश भरा पड़ा है। तो यहाँ पर प्रेस B2C लेस्टर फुटेज, ओके। तो हम लोगों को इन लोगों को फॉलो करना है भाई, इन दो वैंस को हम लोगों को छोड़ना नहीं है, इनके पीछे पीछे जाना है एंड देखना है कि ये कहाँ कहाँ जा रही है। तो ठीक है चलो भाई उनके पीछे पीछे चलते हैं भाई, हेलीकॉप्टर उनका पीछा करना है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर ही उड़ाऊँगा ताकि मैं यहाँ पर नीचे भिड़ ना जाऊँ किसी और से, क्योंकि भाई यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये कहाँ मुड़ेगा देखते, ओके तो ये लोग लेफ्ट में मुड़ रहे एंड लैग नहीं, नहीं लैग नहीं भाई। ओ भाई आराम से यार, आराम से हेलीकॉप्टर, यहाँ पर हेलीकॉप्टर चलाने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। पुल बैक फ्रॉम द सिक्योरिटी क्लॉक, ओके ओके भाई मैं सॉरी मैं ज़्यादा ही कुछ पास आ चुका हूँ। ठीक है भाई उनसे दूरी रहना है, थोड़ा दूरी बना के रहना है
ताकि उनको शक ना हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो भटक ना जाए या फिर कहीं सिक्योरिटी ना बुला दे, इसलिए मेरे को उनसे पीछे ही रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये लोग तो भाई नीचे चल चुके हैं, भाई गायब मत हो जाना यहाँ से, पता चलता है गायब हो जाए। तो यहाँ पर मेरे को थोड़े थोड़े टाइम पे यहाँ पर लेस्टर का जो व्यू है उसे देखना पड़ेगा। वो भाई यहाँ पर कैमरे से इनको देख रहा है ताकि मेरी हेल्प हो जाए यहाँ पर, एंड हम उन लोगों को इजीली स्पॉट कर पाए कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नीचे तो नहीं आ चुका भाई। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हो भाई, लेस्टर भाई बहुत काम का आदमी है। तो लेस्टर भाई यहाँ पर कैमरा लेके बैठा हुआ है हेलीकॉप्टर में, एंड उन लोगों को देखे जा रहा है ताकि मैं यहाँ पर उन्हें मिस ना कर पाऊँ। तो यहाँ पर अभी वो रुके हुए भाई, बड़े सिंसियर ड्राइवर है यार वो लोग, तो यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये लैग की ऐसी की दैसी, वो निकल चुके हैं, अभी मेरे को उनके पीछे जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। ओह शिट मैन, भाई ये तो अंदर घुस चुके हैं, ये बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं, यहाँ पर कहीं बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये बोल तो रहा है भाई, लेस्टर बोल रहा है कि वो लोग तो बाहर निकलेंगे यहीं से, क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है। आई होप भाई वो लोग यहीं से निकले, वरना हम लोगों को और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लेस्टर का व्यू देखते रहता हूँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। अरे ये चिकी वाले तो भाई अलग ही परेशान करते रहते हैं, और ये लैग तो अलग ही है, मतलब ये नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं भाई, क्या ही करें। तो यहाँ पर ये लोग तो अभी मेरे को दिख नहीं रहे गई। एक काम करता हूँ भाई, मैं नीचे जाके देखता हूँ कहीं ये बिल्डिंग के पीछे तो नहीं चले गए, वैसे नहीं गए होंगे, लेकिन एक बार जाके देखते हैं। भाई हेलीकॉप्टर है यार, फट जाएगा, नहीं दिख रहा भाई। एक बार लेस्टर का व्यू देखता हूँ, ये तो इस साइड दिखा रहा है, एंड वो रहे भाई वो दिख चुके हैं यहाँ पर दो ट्रक जाते हुए। अभी मेरे को उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, जल्दी से चलते उनके पास। अरे भाई रुक जाओ मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ भाई तुम्हारे साथ पैसों की रखवाली करने के लिए। मैं पैसे चुराना थोड़ी वाला हूँ यार, है ना, मैं पैसे चुराने थोड़ी वाला हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ इनके कोई पीछे ना लग जाए। देखा ना कैसे भाई सेफली आ चुके, मैं तो बस इन्हें देख रहा था कि ये अपने घर पहुँच जाए अच्छे से। तो यहाँ पर ये अपने घर पहुँच चुके, ये 30 सेकेंड अगो, ठीक है। अरे भाई ट्रैफिक बहुत था, मैं जानता हूँ भाई ट्रैफिक बहुत था, इसलिए इन पैसों को भाई बेचारों को घर जाने में लेट हो गया। बेचारों पैसे चीख चीख के चिल्ला रहे, भाई आ जा मेरे को लेने, आ जा, आ रहा हूँ मैं भाई, तुम लोग टेंशन मत लो। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, मेरे पैसे बुला रहे मुझे। तो ठीक है भाई, मैं समझ गया यहाँ पर सब कुछ। तो हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढना है, तो वहाँ पर ये लोग भाई ज़मीन के अंदर कुछ टनल वगैरह बना रहे, जहाँ से ये लोग कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह कर सकते। तो बस उसी कंस्ट्रक्शन साइट को हमें ढूंढना है, और वहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीज़ें। ये लग रही भाई मेरे को कंस्ट्रक्शन साइट। अरे हाँ भाई यही तो है मेरा कंस्ट्रक्शन साइट। कितने नूब है ये भाई बैंक वाले यार, इनको क्या लगता है कि इनको कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन फाइनली हम लोगों को यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है इनका प्लान। तो अभी हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट में आ चुके हैं, एंड अभी मेरे को ढूंढना है ऐसी जगह जहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा होगा। तो बस मेरे को यहाँ पर इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है, एंड हम लोग यहाँ पर टनल का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है यहाँ पर पता चल जाएगा। भाई हेलीकॉप्टर आराम से यार, तो ठीक है चलो चलते सामने, मतलब मेरे को इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पर चल के देखते हैं कहीं लैंड वैंग वगैरह तो नहीं करना है। वे लुकिंग फॉर लैंड में द कंस्ट्रक्शन हैपनिंग ऑन नॉर्थ साइड ऑफ द बैंक, नॉर्थ साइड ऑफ द बैंक आई वाज हियर ऑन द गेट। क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर रुक के रुकना नहीं है, ठीक है चलो ऊपर चलते। और तो ठीक है यार, मेरे को थोड़ा घूमना पड़ेगा तभी पता चलेगा। ओह शिट मैन, मैं कितना बड़ा डंबू, यहाँ पर मैप में मेरे को ये लोग मैप दिख रहा है, फिर भी मैं इधर उधर घूमे जा रहा हूँ पागल हो, जैसे कि कहीं मेरे को ये कंस्ट्रक्शन साइट मिल जाए। शिट, अबे भाई इतना बड़ा डंबू मैं कैसा हो सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को सामने जाना है। अबे चल भाई अभी और नूबगिरी मत करे, अब मैं और नहीं सह सकता, सामने चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकने को बोला है लेस्टर ने, तो यहाँ पर हम लोगों को एकदम स्ट्रेट भाई बिना हिले रहना है भाई, लेस्टर को परेशान नहीं करते। तो हमें जो यहाँ पर टनल मिले ना भाई, उसे यहाँ पर लेस्टर एग्जामाइन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ताकि हमें सब कुछ पता चल सके। तो ठीक है भाई, ओ भाई ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर लकी है कि ये जो टनल है इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बहुत देर तक चल रहा था। तो हम यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ पर माइकल पे स्विच होना चाहिए, नहीं ठीक है मैं ड्राइवर पे ही चाहता हूँ। तो अभी हमारा जो है काम हो चुका है, एंड अभी हमें जाना है एयरफील्ड में। तो भाई साहब एक और हाइस्ट फाइनली यार, बहुत दिनों बाद यहाँ पर हम लोग एक और रॉबरी करने वाले, वो भी बहुत बड़े बैंक में, एंड उसी की ये प्लानिंग वाला मिशन था। तो हमारी जो प्लानिंग हो चुकी है कम्प्लीट, एंड अभी हम लोगों को यहाँ पर बैंक का जो सब कुछ पता चल चुका है कि हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। तो बैंक की जो सिक्योरिटी वगैरह है उन सब के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है, अच्छे से हम लोगों ने बैंक को देख लिया, एंड लोकेशन उसकी भाई लोकेशन बहुत ही सही जगह पे है। तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने उस बैंक की ली है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को अब एक बहुत ही बेहतरीन और तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा,
जिससे हमारे जो हाइस्ट है वो कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है यार, अभी का हमारा जो काम है हो चुका है एंड अभी हम लोगों को यहाँ पर एयरफील्ड में अपना हेलीकॉप्टर सेफली लैंड कराना है। तेरी सीखी तैसी अबे भाई ईशन। तो ठीक है भाई, यहाँ पर एयरफील्ड में लैंड हो चुका अपने हेलीकॉप्टर के साथ एंड लेशर अभी भाई लगता है अपने घर जाएगा एंड उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर प्लानिंग के लिए बुलाएगा एंड हम पूरी अपनी प्लानिंग करके भाई फिर से निकलेंगे उस बैंक की। भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वाली रॉबरी में यार, क्योंकि हम बहुत ही सारे पैसे लूटने वाले एंड इस बार तो मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगा, बहुत सारे पैसे लूँगा। एंड हमारा जो ये मिशन हो चुका है कम्प्लीट, जिसका नाम था सर्वेइंग द स्कोर। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये गेम प्ले पसंद आया होगा। तो अभी हम मिलेंगे भाई नेक्स्ट वाले गेम प्ले में, और अगर नेक्स्ट वाला गेम प्ले भाई जल्दी चाहिए तो उसके लिए जल्दी कमेंट भी करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी जो गेम प्ले आएगा। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वाले गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।